हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है सारे बच्चों की तैयारियाँ बड़े जोर धोर से लगी होंगी, एकदम मतलब इतने बिजी हो गए होंगे कि अपने टीचर को तो भूल ही गए होंगे, है ना? तो भाई मुझे भूलो मत, वापस आ जाओ वापस मेरे पास में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा चीज आज तो आपको बहुत अच्छा चीज बताने वाली हूँ। क्यों भाई, क्यों बताने वाले हैं? तो आज ये है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक तो पता ही, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो एक प्रकार से जीके समझ लो, कुछ चीजें जनरल नॉलेज में ही समझो। तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा नजर मेरी तरफ डालो भाई, है ना, बोलते ना कि नजर मेरी तरफ डालो। तो भाई आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, उसके पहले मैं तो ये बता दूं कि मैं हूं आपकी इच्छा प्रतिभा खिलवाड़, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आपके अभिप्राय एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो याद रखेंगे आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, कक्षा 12वीं का जो जीव विज्ञान है, 3 अंकों के प्रश्न के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये छोटा सा रहेगा और वो भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में से। आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे ज्यादातर जो क्वेश्चन होने वाले वो यहां से उठने वाले हैं, इस पर आपको मैं फोकस करने वाली हूं, ठीक है? हालांकि ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों चैप्टर से भी मैं बताने वाली हूं, तो थोड़ा सा आप धीरज रखें, सारे प्रश्न होंगे हल, तो आप बस देखते चले जाइए, ठीक है? देखना ही बस है आपको, पढ़ना भी है और याद भी करते जाना है, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लिस्ट में वहां पर बताने वाली हूं, तो सिर्फ आप धीरज रखेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, आज का प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड्स क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? प्रश्न क्या लिखा है, एड्स सर्वप्रथम कहां पाया गया है और इसके संचरण एवं रोकथाम के उपाय क्या है। ये चीज आपको याद रखना है कि एड्स सबसे पहले कहाँ पाया गया था और इसका संचरण क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है और इसके रोकथाम कैसे होंगे, इस पर बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक मुझे बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, बाकी सब समझदार हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता होगा एड्स के बारे में, वो इसके बारे में आज नॉलेज लेंगे मेरे थ्रू, ठीक है? तो चलिए भाई सबसे पहले बता दूं ये कब आया है, 2019 में आया है, ABC सेट तीनों में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर की दृष्टि से। तो चलिए भाई पेन कॉपी उठाए और मेरे साथ आप लोग भी पढ़ते जाए। क्या है भाई, सबसे पहले पूछा जाता है एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम मैं पहले भी रिपीट की थी, याद करो वो दिन जब हमने एड्स के बारे में बात की थी। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS, ठीक है? इस एड्स का पूरा नाम होता है, ए से एक्वायर्ड, यहां लिखा हुआ है सारा कुछ देख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, ठीक है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, एड्स का फुल फॉर्म बताइए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है यहां से। सर्वप्रथम कहां पाया गया, तो बता देना भाई साहब कि आपके अमेरिका में 1981 में ये पहली बार ये पता चला था, अमेरिका में 1981 में, ठीक है? और ये कैसे फैलेगा, क्या है इसका संचरण देखते हैं। यह रक्त संचरण, जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्ग जन्य रोग होता है, जिसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर में जो बी सेल और टी सेल जो होते हैं पूरी तरीके से क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है ये सेल, ठीक है? अब क्या होता है भाई एड्स, चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये HIV जो वायरस होते हैं, बेटा ध्यान दोगे, एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है? HIV वायरस जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है? HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है? ये इसका पूरा नाम होता है HIV का, और एड्स का क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक? तो ये इसका सिंबल है, बहुत देखते होंगे। तो एड्स आखिर किसके कारण होता है, सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है, ये यौन संबंध से होता है, ठीक है? बार बार यदि आप बहुत सारे लोगों के साथ यौन संबंध, ये शारीरिक संबंध बनाते हो तो आपको एड्स हो जाता है, सबको पता है। दूषित अगर सुई को यूज करो भाई, एड्स रोगी की सुई को आप भी यूज करे हो, या एक ही निडल से 10 बार आप जैसे कोई यूज कर चुका है, बहुत सारे लोग उसको यूज करोगे, तो फिर एड्स जैसे सुई से,
सीधी बात है, सीरिंज से भी क्या हो जाता है, दूसरी सुई से भी हो जाता है एड्स। ठीक है, माता से सीधे गर्भ में पड़ रहे बच्चे को भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को एड्स कैसे हो रहा है, या फिर अंगों का प्रत्यारोपण होगा तब भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाता है। ठीक है, नशीली दवाओं का बार बार सेवन करने से भी क्या होता है बेटा, एड्स हो जाता है। समझ आ रहा है, तो एड्स कैसे हो रहा है, सीधी सीधी बात है, एड्स एक से अधिक स्त्रियों से सहवास, यानी कि बार बार बहुत सारी लड़कियों के साथ यदि सेक्सुअल इंटरक्रॉस कर रहे हो 10 लोगों के साथ, तब भी क्या होगा, आपको एड्स हो जाता है। चाहे हम बात करें संदूषित सुई की बात करें या सीरिंज का प्रयोग यानी कि दूषित सुई का बात करें, तो भी क्या हो जाएगा, आपको एड्स होगा। दूषित रक्त का आदान प्रदान, भाई एड्स रोगी के रक्त को यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, एड्स रोगी हो जाएगा। ठीक है, अंगों के प्रत्यारोपण से भी होता है, यानी कि एक शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण यदि हम दूसरे शरीर में करें तब भी क्या हो जाएगा, एड्स रोग होता है। सबको पता है ये चीज, एकदम नॉर्मल सी चीज है। नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का उपयोग करके भी क्या होगा, एड्स होता है। गर्भ से सीधा माता, मतलब माता के गर्भ से जो बच्चे होते हैं उनसे भी एड्स होता है। तो HIV ये क्या है, वायरस है। क्या है, HIV वायरस होता है, HIV वायरस। ठीक है, वो वायरस के कारण ही ये फैलने वाला रोग होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। देखिए ये कितनी बार इंजेक्शन लगा रहा है, ठीक है, तो इंजेक्शन इन दूसरी सुई से हो रहा है, ये क्या है भाई, दूसरी तो सुई है जिससे लगा रहा है और हो रहा है। ब्लड की बात करें तो ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड से होने वाला। और नेक्स्ट की बात करें, ये क्या है आप लोगों का, तो दिखाई दे रही है कि क्या है ये, है ना, तो बहुत सारे स्त्रियों के साथ भी करने से मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, माता से जो बच्चे माता के गर्भ में है उनके कारण भी क्या हो जाते हैं। जैसे कोई माता है जिसको एड्स पहले से हुआ है, तो भाई उस बच्चे में भी हो सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि पोषण तो अपरा से ही ले रहे हैं, नहीं प्लेसेंटा के थ्रू वो पोषण ले रहा है। तो माता से गर्भ में पड़ रहे बच्चों के में भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। ठीक है, देखिए ब्लड है, ब्लड सब लोग डोनेट करते हो, लेकिन जो ले रहा है, मान लो जाए वो दूषित एड्स वाले रोगी का अगर वो ब्लड हुआ तो भी वो एड्स रोगी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या लक्षण होंगे, क्या लक्षण होंगे भाई, क्या क्या होता है, चलो देखेंगे। एड्स के संक्रमण के फलस्वरूप जो लिम्फोसाइट को सक्रिय करने वाली जो सहायक टी सेल होती है उनकी कोशिका में सही, देखो इसको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो। हमारे शरीर पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है, क्या होता है हमारे शरीर पर, ये हमारा सेल है और हमारे शरीर के सेल पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को कहते हैं बेटा, ध्यान दोगे, टी लिम्फोसाइट कहते हैं या टी सेल कहते हैं, टी सेल हो गया, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं बी सेल कहते हैं। हमारे शरीर पर जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली कोशिका है उसका नाम है, एक है टी सेल और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं बी सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए, टी सेल जो होता है, टी को हम कहते हैं क्या, हेल्पर सेल कहते हैं, एज अ हेल्पर सेल कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हेल्पर सेल कहलाता है, ठीक। और बी सेल को कहते हैं क्या, एंटीबॉडी बनाने वाला सेल। एंटीबॉडी कौन बनाता है, आपका बी सेल बनाता है। ध्यान रखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एड्स के बारे में। चलिए, अब ये हमारी कोशिका है और हमारी कोशिका में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, टी सेल बी सेल। दोनों ही क्या करेगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि एक प्रकार से क्या बोले कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य कर रहा है, ठीक। चलिए अब आते हैं, हम बात करेंगे, ये है एक कोई एंटीजन, और इस एंटीजन मान लो ये वायरस है कोई, ठीक है, ये एंटीजन वायरस आ गया, और ये जब वायरस हमारे शरीर पर एंटर करता है क्या करेगा, जब भी कोई ये वायरस है HIV वायरस, ठीक है, जब HIV वायरस हमारे शरीर पर एंटर करता है तो सबसे पहले हमारे शरीर पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक हमारे पास टी सेल हो गया, क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास टी सेल हो गया, और एक है हमारे पास क्या, टी सेल हो गया, और दूसरे क्या हमारे पास, बी सेल हो गया। ठीक है, हमारे पास दो सेल हो गया, टी सेल और बी सेल, याद रखना टी एज अ हेल्पर सेल, बी क्या है, एंटीबॉडी बनाने वाला सेल होता है, ठीक। चलिए, जब ये वायरस जब हमारे शरीर पर अटैक करता है HIV वायरस, तो सबसे पहले क्या करता है, इस हमारे टी सेल को,
टी सेल का काम होता है क्या कि ये बताने का काम करता है, मतलब सूचना का आदान प्रदान ऐसा कह सकते हैं। टी सेल का काम क्या है, मान लो जाए कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई जब भी एंटर करता है तो ये तुरंत जाकर के बी सेल को सूचना देता है कि हमारे शरीर में कोई ये इस प्रकार का सूक्ष्म जीव आया है, इसके प्रति आप एंटीबॉडी बनाओ, मतलब सूचना का काम करता है। एक प्रकार से बोलते हैं ना, राजा होता है उसका मंत्री होता है, वही है, एक मंत्री है ये, ठीक है। तो ये एक मंत्री का किरदार निभा रहा है टी सेल, और वो सूचना का आदान प्रदान कर रहा है। ये डिसाइड करेगा कि कोई एचआईवी वायरस आना है या नहीं आना है, मतलब अगर ये आ रहा है तो ये जाकर के किसको बताएगा, बी सेल को बताता है, ठीक है, राजा को बता दिया। भाई बोल रहा है कि एचआईवी वायरस आ रहा है तो बी सेल एंटीबॉडी बनाओ, ये कर दिया, है ना, ये करने का काम करता है। लेकिन मान लो जाए यदि ये एचआईवी वायरस ही टी सेल को ही नष्ट कर दे, ठीक है भाई, ये बताएगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा किसको एंटीबॉडी बनाना है। ये काम करता है कौन, एचआईवी वायरस। क्या कर देता है ये एचआईवी वायरस जो होते हैं, ये टी सेल को ही क्या कर देते हैं, डिशुम डिशुम करके खत्म कर देते हैं, सीधे बेचारे को मार देते हैं, ठीक है। तो जब मंत्री खत्म हो गया टी सेल, तो सीधी सीधी बात है राजा तक तो बात पहुंचेगी नहीं। जब राजा तक बात पहुंचेगी नहीं तो सीधी सीधी बात है ये एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा, तो ये प्रवेश कर जाता है शरीर के अंदर में, समझ आ रहा है। तो शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो ये अपनी संख्या को क्या करता है, वहां पर बढ़ाने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे वायरस ऐसे बनते जाएंगे क्योंकि शरीर में टी का काम जो बताना था उसको, बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो बता ही नहीं पा रहे हो तो खत्म हो गया। तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या को यानी कि वायरस को बढ़ाते जाएगा। जब संख्या बढ़ जाएगी तो सीधी सीधी बात है बी सेल जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है उसका भी, इसको भी ये क्या कर देगा, नष्ट कर देता है, यानी कि एंटीबॉडी से इसका कोई काम नहीं होता, एंटीबॉडीज पर वो कोई वर्क नहीं कर देता, अर्थात दोनों को क्या कर रहा है, ये खत्म कर दे रहा है, बी सेल और टी सेल को, दोनों को खत्म कर देगा। जब बी सेल टी सेल दोनों इम्यूनिटी पावर जो बनाने वाले जो सेल जब खत्म हो जाते हैं, तब हमारे अंदर धाए धाए से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस सब हमको क्या करते हैं, संक्रमित करते जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा जो सेल था बी सेल टी सेल वो तो खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो सीधी सीधी बात है सारे वायरस तो हमारे अंदर एंटर कर गए, और वायरस हो चाहे जो भी बैक्टीरिया हो चाहे जितने भी सूक्ष्म जीव हमारे अंदर शरीर में जब एंटर करते जाते हैं तो क्या होता है, हमको एचआईवी तो है ही साथ में और भी बहुत सारे डिसीज होने लगते हैं, समझ आ रहा है। तो यही होता है क्या, एचआईवी वायरस, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, सभी को पता है लाइलाज होता है ये, ठीक है। इसकी सीधे सीधे क्या होता है, इसमें एक एज के बाद इसमें मृत्यु हो जाना संभव होता है। तो ये है क्या, एड्स, ठीक है। चलो, तो एड्स रोग के लक्षण समझ आ गए क्या होता है, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट को यानी कि टी हेल्पर सेल को क्या कर देता है, भारी इसमें कमी आ जाती है, किसको मार दिया, ठीक है। उग्र रूप से पीड़ित अधिकांश व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर ही क्या होते हैं, संक्रमण यानी कैंसर के कारण भी मर जाते हैं, और मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचती है और अपनी स्मृति को खो देता है, पूरा इसको कुछ भी मतलब होश नहीं रहता है इसमें, ठीक है। इसके उपचार के लिए देखो, ऐसे तो उपचार कुछ है नहीं, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, कुछ दिन तक इसको रोक सकते हैं क्योंकि प्रतिरक्षा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंततः इसमें मृत्यु होती है क्योंकि अभी तक इसका इलाज संभव नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके नियंत्रण में क्या करेंगे भाई, फैलने से रोकेंगे, है ना, सीधी सीधी बात है, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करेंगे, हर तरफ से जागरूक करेंगे, परिणाम, अब जैसे दूसरी सुई की बात करें तो दूसरी सुई अपन ना वो करें, नए सुई को लें, हाँ जब भी हमको लगाना हो तो नए सुई को ही अरेंज करें, ठीक है। स्त्रियों के साथ सहवास करना कम कर दें, मतलब कम मतलब बहुत सारे लोगों को से नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। और अंग प्रत्यारोपण, जैसे वृक्क किडनी दे रहे हो किसी को, चाहे नेत्र दो चाहे वीर दो, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा देख करके करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का ये है, ठीक है। अंगों के प्रत्यारोपण में भी ध्यान देना पड़ेगा। गर्भधारण करने वाली स्त्रियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें, कि जो स्त्री गर्भ धारण है तो उन इनके ब्लड को चेक करें कि भाई उसमें एड्स तो नहीं है, ठीक है, एड्स रोगी तो नहीं है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा कि एड्स क्या है, इसके बारे में हमने पूरी बात की है, और एड्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक ज्यादा बनता है वो इतने ही बनते हैं, आपके 12वीं लेवल का, इससे ज्यादा नहीं बनते, बाकी आगे का जो कॉलेज लेवल पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी एड्स के बारे में, आपको पेपर में भी इतना ही लिखना है। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा, और इतनी चीजें लिख करके आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लाओगे, आप बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। तो चले भाई, मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलती हूँ, और जितना भी आपको टॉपिक लग रहा होगा कि आगे और हमें पढ़ना चाहिए और डिटेल जानना है, तो आप अभिक्षा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, उसमें पूरे सारे डिटेल मैं पूरा खुद पूरे डिटेल में बताई हूँ उसमें, तो उसमें आपको अधिक जानकारी हो जाएगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।